अगली खबर शिक्षा विभाग की लापरवाहियों से जुड़ी हुई है, जहां मध्य प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन आज भी जिम्मेदारों की अनदेखी से इन सब की स्थिति दयनीय है। वहीं बच्चों की बेहतर व्यवस्था के लिए दावे में दावे करती है। सीएम राइज स्कूल खोल रही है, एक और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के हरमना जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला नौडीहवा आदिवासी बस्ती गोईडार का मामला सामने आया है, जहां स्कूल की हालत जर्जर है। वहीं जर्जर हाल बरसात के दिनों में स्कूल की छत गिर चुकी है। सर, हमारे विद्यालय की समस्या ये है कि उसकी छत बिल्कुल जर्जर है, टूट टूट के गिर रही है। जैसा कि अभी आपने देखा है, एक दिन हमारे ऊपर छोटा सा चिट्टा गिरा था, लेकिन हम तो बच गए। हमारे विद्यालय में छोटे छोटे बालक विद्यार्थी आते हैं पढ़ने, उनके ऊपर अगर गिरेगा, चोट खाएंगे या तो दब भी सकते हैं, हैं? दबने के बाद क्या होगा? शासन प्रशासन कुछ देख नहीं रहे, जबकि इसको हम लोगों ने लिख के यहाँ से जन शिक्षा केंद्र, संकुल केंद्र, यहाँ तक कि BRC हनमना, यहाँ तक हमने इसको बाकायदा लिख पढ़ के जैसी भी हुई अपने से कार्यवाही अपन ने किया और दिया। वर्तमान सरपंच को भी अपन ने लिख के दिया है, इसके पूर्व जो सरपंच थे उनको भी हम लोगों ने लिख पढ़ के दिया था। इस तरह से हम लगभग 3 साल से इसी तरह से चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों के पास समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है? कोई निराकरण नहीं हो पाया। क्या चाहते हैं कि सरकार से, प्रशासन से? क्या हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे विद्यालय को, चाहे उसका छत तोड़ना पड़े तो तोड़ के फिर से नए सिरे से ढलाई कर दें, या तो बनने लायक हो, इंजीनियर वगैरह आके इसको देखें, जैसा भी हो इस बिल्डिंग की मरम्मत करा के इसको सही कर दें। जैसे ननुहाल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके जान के जोखिम डला रहता है, अभी तक प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, तो अभी तक आप लोग के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? अभी हम लोग लिख के और BRC महोदय के यहाँ हम लोगों ने उनसे लिख के पावती लिया है कि आप उस भवन के अलावा कहीं अतिरिक्त जगह, विद्यालय अगर आपको जगह मिलती है तो आप लगा सकते हैं, जिससे बच्चे या आप कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो।